नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने थाना मनगवा अंतर्गत मनिकवार में 25.29 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुलिस चौकी भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि पुलिस चौकी में बाउंड्री वॉल सहित पुलिस स्टाफ के लिए रिटायरिंग रूम तथा आम जनता के लिए शेड बनाकर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था उनके विधायक निधि की राशि से कराई जाएगी। उन्होंने लोकार्पण के उपरांत चौकी भवन का अवलोकन किया तथा आगंतुक रजिस्टर में शुभकामना संदेश लिखा। लोकार्पण अवसर पर उन्होंने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चौकी भवन के निर्माण की मांग काफी समय से पुलिस विभाग के साथ स्थानीय जनता की भी थी, जो आज पूरी हुई। पुलिस कर्मियों को नए भवन के मिलने से निश्चिंतता होगी, उनका काम करने का हौसला बढ़ेगा तथा आम जनता को भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का भार सेना पर है, तो हमारे समाज की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाती है। अतः इन्हें समाज का ही अंग मानते हुए समन्वय बनाकर मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। श्री गौतम ने कहा कि समाज में पैदा होने वाले अपराध के बीज को पनपने ही ना दिया जाए तो अपराध नहीं होंगे। लोगों में बुराइयों को रोकने के बारे में जागरूकता लाकर भागीदार बने। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपेक्षा की कि माह में एक बार गांव के लोगों से जन संवाद करें, जिसके सकारात्मक परिणाम आएंगे तथा लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने मनिकवार चौकी भवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की अपेक्षा की। इस अवसर पर आयुक्त रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कहा कि प्रदेश में गत 15 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना के कार्य हुए हैं। इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए चौकी भवन एक सौगात है। इसके बन जाने से पुलिस व आम जन को सुविधा होगी। उन्होंने लोगों से जागरूक व सतर्क रहकर अपराध मुक्त समाज के निर्माण में भागीदार बनने की अपेक्षा की। कार्यक्रम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि मनगवा थाना काफी प्राचीन थाना है। मनगवा थाना अंतर्गत मनिकवार के चौकी भवन के बन जाने से पुलिस स्टाफ को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि रीवा जोन व रीवा जिले में पुलिस व प्रशासन के समन्वय से शांति कायम रखने व कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली है। भू माफिया, शराब माफिया व अवैध गांजा परिवहन व जब्ती का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय व तकनीक के बदलाव के साथ ही पुलिस व्यवस्था में भी परिवर्तन के प्रयास जारी हैं। ग्रामीण स्तर के थाना क्षेत्र में नवीन तकनीक के उपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने की उपलब्धि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर लोगों का विश्वास जीतने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर DIG मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, CEO जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रकट करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि चौकी परिसर में वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा, जहां पुलिस कर्मियों के साथ गांव के युवा व अन्य जन भी वॉलीबॉल खेल सकेंगे तथा पुलिस व आम जनता के बीच की दूरी कम होगी। कार्यक्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन व उप निरीक्षक सपना मिश्रा ने किया। इस अवसर पर SDM अरविंद कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल मंडल, अध्यक्ष सुनील अग्निहोत्री, डॉक्टर आनंद सिंह, मोहन लाल तिवारी, पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी तथा पुष्पेंद्र गौतम सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आसपास के गाँव में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बहुत दिन से मांग थी कि एक तो मनिकवार चौकी को उन्नयन करके थाना बनाया जाए और इसके बाद उसका भवन कम से कम हो। तो आज ये पुलिस चौकी का भवन का लोकार्पण हुआ, बनकर के तैयार हुआ है। इसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ मैंने जोड़ने का घोषणा की है कि बाउंड्री वॉल बनाऊंगा, एक बढ़िया रिटायरिंग कमरा बना दूंगा अपने कर्मचारियों को रुकने का व्यवस्था, और पब्लिक के बैठने का, पब्लिक जो आती तो उसकी बैठने की भी जगह नहीं होती कई बार, तो एक बढ़िया कोई स्टड बन जाएगा जिससे आकर के वो बैठ सकेंगे, उनके भी शौचालय की व्यवस्था रहेगी, ऐसा करने की घोषणा की।